गणतंत्र दिवस की 17वीं वर्षगांठ पर पुलिस परेड ग्राउंड पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि रहे प्रदेश की सिंचाई यांत्रिकी मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने ध्वजारोहण किया और पुलिस परेड का निरीक्षण किया। उसके बाद पुलिस के जवानों ने शानदार परेड प्रस्तुत किया, जिसका प्रभारी मंत्री ने सलामी ली। परेड में यूपी 100 डायल की बाइक, फायर ब्रिगेड, पुलिस कमांडो के जवान, पीटर के जवान मौजूद रहे। समारोह में स्कूली छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की तथा फायर विभाग ने भी मार्क ड्रिल किया। समारोह में मुख्य आकर्षण हरियाणा से आए, जिन्होंने चलते ट्रैक्टर को अपने हाथों से रोक दिया और उनके ऊपर से ट्रैक्टर गुजर गया, जिसकी लोगों ने काफ़ी सराहना की। इस मौके पर मंत्री ने बहादुरी के लिए नागरिकों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले स्कूली बच्चों को पुरस्कृत किया। अपने संबोधन में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार विकास और सुरक्षा को लेकर काफ़ी गंभीर है। हमारे पुलिस के जवान लगातार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा के प्रति प्रदेश सरकार काफ़ी गंभीर है। मंत्री ने कहा कि अब सिर्फ हुजूर के बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे, अब मजदूर के बच्चे भी पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, जहां राजाओं का राज खत्म होता है वहां से योगी राज शुरू होता है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश को तरक्की के राह पर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो सराहनीय है। समारोह में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, सदर सांसद प्रवीण निषाद, एडीजी दावा शेरपा, मंडलायुक्त अमित गुप्ता, आईजी जयनारायण सिंह, जनपद न्यायाधीश गोविंद बल्लभ, डीएम के विजेंद्र पांडेयन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे सहित पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। समारोह के अंत में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। आज नहीं करना है जो इस महायज्ञ के पीछे है, जिस वजह से हम आजाद हवा में सांसें लेते हुए गणतंत्र दिवस पुलिस यानी संगठन पुलिस अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात है। मन कर रही है हमारा शेर दुर्ग हमारे आराम की नींद सोते हैं, उसमें समर्पण जब हम अपने आप जी दावा शेरपा जी के आगमन का जोरदार तालियां जॉइंट मेजर राम जी गौड़, शुभम पटेल, जिसके अंदर हमारा कोई नहीं, यह पुलिस वाले शंकर है, जितेंद्र है, हमें आता है हमारी जो कभी सोता नहीं, समर्पण क्या एक मासूम है।
माध्यमों से मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी, सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय सलूट, हे राष्ट्रीय ध्वज, आकांक्षाओं के आराध्य तुम्हें सलाम। त्याग, समर्पण और बलिदानों के अद्भुत प्रतिफल तुम्हारा संपूर्ण पावन है, पवित्र है। हमारी प्राचीनतम संस्कृतियों के संवाहक हे राष्ट्रीय ध्वज, तुम्हारा इतिहास और भूगोल वंदनीय है। हमारा शान से, गर्व से, गौरव से तिरंगा लहराता हुआ हमारा आत्म सम्मान, हमारा गौरवशाली, हमारी हिम्मत। लेकिन हमारे दाई तरफ से जो हमारे
हमारे अति सम्मानित अतिथि है, उनकी भी तालियों की दरकार है, आवश्यकता है। इन महान पुलिस बल के शक्तिपुंज को, शौर्य को, अदम्य साहस को, पराक्रम को जो अद्भुत मिसाल है, निरीक्षक दिनेश कुमार यादव जी जोरदार तालियां बजाएं। तालियां बहुत कम पड़ रही हैं, कई दिनों की कड़ी मेहनत है। आइए प्रतिफल है आपके सामने। रिजवान अहमद जी, महिला रिक्रूट आरक्षी का नेतृत्व कर रहे हैं। अनिल कुमार गोपी जी और दूसरी टोली का नेतृत्व कर रहे हैं। रवीन सिंह तोमर जी महिला आरक्षी का नेतृत्व कर रही हैं। राजकुमारी शुक्ला जी आपके सामने से अभी गुजरेगी। महिला आरक्षी की टोली, महिला रंगूट आरक्षी जिनके सामने सुनहरा भविष्य है और रखना है, इतिहास रचना है इन्हें। राजकुमारी शुक्ला इतिहास क्षेत्र के थानों की ये पुलिस, रामन सिंह यादव जी यातायात पुलिस जिसको हमने हमेशा अपने आसपास चाहा और जिनके न होने का मतलब होता है हम आपस में ही उलझ जाए और मंजिल तक पहुंच ही ना पाए। टीपी श्रीनिवास तिवारी जी और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एकक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देश की आजादी की लड़ाई के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर संघर्ष किया, तब हमारा देश आजाद हुआ। आज हम आजाद देश के नागरिक हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के नाम से हमारा संविधान बना, तब गणतंत्र दिवस घोषित हुआ। आज हम 70वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज हम आप सभी को योगी सरकार की ओर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और हम उम्मीद करते हैं ये गणतंत्र दिवस आपको सुख शांति और विकास और सुरक्षा से परिपूर्ण होगा। अभी हम सभी ने जनपद गोरखपुर की पुलिस के प्रशंसनीय कार्य को देखा। मैं जनपद गोरखपुर के कुशल और बहादुर पुलिसकर्मियों के द्वारा जो प्रशंसनीय कार्य जनपद गोरखपुर में किए गए, अवैध शस्त्र कच्ची शराब रोकने का प्रयास और बरामदगी, गौ तस्करों की गिरफ्तारी, इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाने का प्रशंसनीय कार्य किया गया है, इसलिए जनपद के सभी बहादुर पुलिसकर्मी और अधिकारी बधाई के पात्र हैं। मैं बधाई देता हूं और सभी का अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के महत्वपूर्ण प्रयासों के द्वारा हमारी जनपद गोरखपुर की पुलिस में पहली बार गोरखपुर में पुलिस ट्रेनिंग केंद्र, तहसील स्तर पर फायर स्टेशन बनाए जाने की कार्रवाई, महिला बटालियन हेत 50 एकड़ भूमि का आवंटन, ये ऐसे कार्य हैं जो आम जन को लाभकारी होंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से गोरखपुर में अस्पताल, खाद कारखाना, गन्ना कारखाना, हवाई और रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी, एक्सप्रेसवे और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने का काम किया गया है। यूं तो योगी सरकार संपूर्ण प्रदेश में विकास कर रही है, लेकिन गोरखपुर का भी विशेष ध्यान दिया गया है, जो 2 वर्ष के अल्प समय में ही दिखाई देने लगा है। बंधु, मोदी जी के सपनों का प्रदेश बने, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का सोच है, देश की तरक्की तब होगी जब ग्रामीण भारत की तरक्की होगी, और ग्रामीण भारत की तरक्की तब होगी जब गांव की तरक्की होगी, किसान की तरक्की होगी। इसलिए योगी सरकार, माननीय मोदी जी ने जो 4 बातों पर विशेष ध्यान दिया है देश की जनता के लिए, योगी सरकार उसको लागू करने का काम कर रही है। नंबर 1 पढ़ाई, नंबर 2 दवाई, नंबर 3 सिंचाई और नंबर 4 कमाई। सच में जो पढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो शिक्षित होते हैं वो विकसित होते हैं। गरीबों का दर्द माननीय मोदी जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो, पाठ्यक्रम ऐसा हो, मोदी जी चाहते हैं कि अब हजूर के बेटे ही हजूर ना हो, अब गरीब के मजदूर के बेटे भी हजूर हो, इसलिए पढ़ाई में इसे ध्यान दिया गया। दवाई, वास्तव में दवा के अभाव में व्यक्ति तड़प तड़प कर मरता था। आयुष्मान भारत योजना से 5
से लाख तक का इलाज गरीबों को मुफ्त कर दिया गया। सिंचाई, मैं सिंचाई मंत्री होने के नाते दुनिया में वही देश तरक्की करते हैं जिनके सिंचाई के संसाधन अच्छे होते हैं। योगी सरकार ने, माननीय योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने सिंचाई पर विशेष बजट देने का काम किया। यही कारण है आज उत्तर प्रदेश सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होने के नाते पंजाब और हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश तीसरे पायदान पर आ गया है। बंधु, उत्तर प्रदेश में पहली बार 20,000 करोड़ रुपए से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड की स्थापना की गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, वन ड्राफ्ट मोर ग्राफ, एक बूंद से अधिक फसल का उत्पादन, इजराइल पद्धति उत्तर प्रदेश में लागू हो, इसके लिए हमने किसानों का 1,00,000 कर्जा योगी सरकार ने माफ किया। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सिंचाई के लिए ड्रिप स्प्रिंकलर पद्धति उत्तर प्रदेश में लागू कर दी। इसमें सीमांत और लघु सीमांत किसान को 90% का अनुदान और सभी बड़े किसानों को 80% का अनुदान देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में आज तक और अभी अपने देश में कृत्रिम बरसात नहीं हुई, योगी सरकार की ये पहली उपलब्धि है। चाइना के पास ये पद्धति थी, अब उत्तर प्रदेश में डिमॉन्स्ट्रेशन मानी योगी आदित्यनाथ जी ने देख लिया है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी पानी का, देश में वैसे पानी का अभाव है। मैं आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको थोड़ा सावधान भी करना चाहता हूँ, पानी को बचाएं, कम प्रयोग करें, क्योंकि जमीन के अंदर पानी रह नहीं गया है। 2020 में पानी दिल्ली में खत्म हो जाएगा, 2020 में पानी बंगलौर में खत्म हो जाएगा, इसलिए ग्राउंड वाटर को सुरक्षित करने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कृत्रिम बरसात की व्यवस्था कर ली है। और ये व्यवस्था हम दो जनपदों में अभी करेंगे। मई, ये जो बुंदेलखंड का जिला है महोबा, वहाँ पानी का अभाव है, और विंध्याचल में मिर्जापुर, जहाँ पानी का अभाव है। तो इस तरीके से योगी सरकार ने कुछ अभिनव कार्य उत्तर प्रदेश में किए हैं, जिनको मैंने नक्सल में आपके सामने रखने का काम किया है। माननीय मोदी जी के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए 2019 में पुनः मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, ये संकल्प लेने की भी आवश्यकता है। और बंधुओं, में इस पावन अवसर पर एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। देश में 600 वर्ष मुगल शासन काल रहा, 200 वर्ष ब्रिटानी हुकूमत रही, इसमें हमारी सभ्यता, संस्कृति और व्यवस्था को बदलने का काम किया गया। मैं मुगल शासन काल का एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जब मुगल तलवारों की धार पर धर्म का परिवर्तन करा रहे थे, जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम करते थे, तब गुरु गोविंद सिंह का एक उदाहरण देकर उनके बेटों को जिंदा दीवान में चुराए जाने लगा। जब बड़ा बेटा और बड़ा बड़ा था, छोटा छोटा था, जब दीवान जिंदा चुनने पर छोटे की गर्दन तक आ गई, बड़े भाई के आंखों में आंसू आ गए। छोटे भाई ने कहा कि भैया, क्या तुम मरने से डर रहे हो? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख रहा हूं। बड़े ने कहा, नहीं, मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरी आंख में इसलिए आंसू आ गए कि मैं पहले आया था, मुझे पहले जाना चाहिए था, तुम बाद में आए थे, तुम्हें बाद में जाना चाहिए था, मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं कि आप पहले जा रहे हो, तुम्हारी मृत्यु पहले हो रही है। तो हमारे देश की आजादी के लिए, हमारे देश के संस्कारों के लिए महान पुरुषों ने जो योगदान दिया है, आज उसकी झलक हमने पुलिस ग्राउंड गोरखपुर में देखी है। मैं पुनः आप सभी को बधाई और धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद। माननीय को पकड़ लिया उन्होंने, श्री प्रमोद को गोलियों के गंभीर घाव हो, आवश्यक कार्य से जा रही थी कि लगभग 6:30 बजे माता जी के हार्ट अटैक होने के कारण ये आ नहीं पाए। इनका गोर का सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुका है। पहले प्यारे लड़कों कमांडर से अपने कमांडर को थैंक्स दिया।
आगे नहीं यही तरीका सबसे पहले
और जोश और जुनून लिटिल फ्लावर अमिता भट्टा की बच्चियां और फिर पुलिस परिवार की बच्ची नैन जाति वाली, उसके बाद एजी गर्ल्स इंटर कॉलेज की बच्चियां लिटिल फ्लावर। एसपी सर, एसपी आप नीचे करो बाबू, तैयार रहेंगे। चलो ठीक। इसके बाद हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं, वो एसपी ऑफिस सर को दे दिया गया है। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का मैं जनपद पुलिस की ओर से विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर जनपद पुलिस और जनपद को आशीर्वचन प्रदान किए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जनपद की पुलिस अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं अपराधियों पर शिकंजा कसने में किसी भी कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। जय हिंद, जय भारत। जनपद गोरखपुर के वासियों को और उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को गणतंत्र दिवस की हम शुभकामनाएं देते हैं। देश का सौभाग्य देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। और सच में उत्तर प्रदेश के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, विकास और सुरक्षा। योगी सरकार विकास और सुरक्षा में आगे बढ़ने का काम कर रही है। आज गणतंत्र दिवस की परेड पर आप लोगों ने भी देखा, हमने देखा, सभी ने देखा, जनपद गोरखपुर के बहादुर पुलिस कर्मियों के द्वारा एक अच्छा प्रदर्शन किया गया और कुछ ऐसे निरोधात्मक कार्य जो समाज को हानि पहुंचाने का काम करते हैं, हमारे बहादुर पुलिस कर्मियों ने उन्हें कुछ को जेल पहुंचाने का काम किया है, कुछ को रोकने का काम किया है। तो आज मैं अपने पुलिस परेड में मैंने अपने पुलिस अधिकारियों को उनके अच्छे शौर्य के कार्य को प्रशंसा की है, बधाई भी दी है। और गोरखपुर जनपद स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा इन बातों में आगे बढ़ रहा है, सांस्कृतिक विरासत की धरोहर के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उनके अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। मेरा सीधा मानना है जहां से राजाओं का राज समाप्त होता है वहाँ से योगी राज प्रारंभ होता है। आज हम सबका सौभाग्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।